एक इंसान जो खुद को ईश्वर की सेवा में लगाना चाहता था, अरे पादरी बनकर जो अपने ही धर्म की सेवा करना चाहता था, वो इंसान आगे चलकर खुद को ही ईश्वर बना बैठा। और वो भी ऐसा ईश्वर नहीं जिससे मानवता या फिर इस दुनिया का भला हो, बल्कि एक ऐसा ईश्वर जिसे सिर्फ इस बात का घमंड था कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। और वो भी इतना कि जब उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो करोड़ों लोगों की जान चली गई। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उस सबसे बड़े और निर्दयी तानाशाह की, जिसका नाम हिटलर था, जिसे लोग अब मुहावरों और गालियों की तरह उस आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता हो। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पादरी बनते हुए एक आदमी हिटलर बन बैठा और 20वीं सदी के सबसे बड़े विश्व युद्ध का कारण भी। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं 20वीं सदी की सबसे खौफनाक इंसान की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 1889 के दिन, जब ऑस्ट्रिया में एक लड़के का जन्म होता है जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर रखा जाता है। लड़का बड़ा होता है तो उसका मन चर्च और चर्च से जुड़े कामों में लगने लगता है। यहीं उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो बड़ा होकर चर्च का एक पादरी बनेगा। उसकी शुरुआती पढ़ाई के बाद उसे ऑस्ट्रिया के शहर वियना भेज दिया गया। 17 साल की उम्र में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हिटलर ने एक आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया। वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद हिटलर पोस्टकार्ड बनाने का काम करने लगा और इसी काम से उसका जीवन निर्वाह होता था। इसी दौरान हिटलर के मन में यहूदियों और कम्युनिस्टों के लिए एक भारी नफरत का भाव पनपने लगता है। अब दौर आता है पहले विश्व युद्ध का। पूरे यूरोप में एक भारी जंग छिड़ जाती है, जहां हिटलर को मौका मिलता है कम्युनिस्ट और यहूदियों के खिलाफ भरी हुई नफरत को बाहर निकालने का। और वो फ्रांस के खिलाफ लड़ाई में जर्मन सेना में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन युद्ध में मिली हार की वजह से उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो सेवा छोड़ देता है। सेना छोड़ने के बाद भी उसके मन से अभी गुस्सा और आक्रोश कम नहीं हुआ। 1919 में उसने अपने भीतर भरे नफरत को एक नया आयाम देने के लिए नेशनल सोशलिस्टिक ऑर्बिटर पार्टी यानी कि नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य कम्युनिस्ट और यहूदियों से उनके सारे अधिकार छीनना था, क्योंकि हिटलर ने ऐसी घोषणा की थी और लोगों ने भी ये बात मानी थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की विश्व युद्ध में हार हुई थी। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी, वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। हजारों की संख्या में ये लोग हिटलर के साथ आने लगते हैं और हिटलर की बनाई पार्टी में जो लोग जुड़ते हैं उनके भीतर जर्मनी के लिए कुछ भी कर गुजरने का एक अनोखा जुनून देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो चुका था, जिस वजह से उसका विकास रुक सा गया। इसीलिए उस दौर में हिटलर ने नाजी पार्टी के अपने सारे भाषणों और वक्तव्यों में इसी बात का जिक्र किया कि कैसे हमें पहले अपनी अर्थव्यवस्था पर काम करना चाहिए। जिस हिटलर को पहले विश्व युद्ध तक कोई जानता तक नहीं था, वो 1922 आते आते पूरी जर्मनी का एक ऐसा चेहरा बन जाता है जिसमें लोगों को एक बेहतरीन लीडर नजर आने लगता है। यही वजह होती है कि उसे एक विशाल जन समर्थन हासिल भी हो जाता है। हिटलर ने नाजी पार्टी के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए समाचार पत्रों को चुना और उसने उसी के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जारी रखा। नाजी पार्टी के बाद उसने अपनी एक सेना बनाने के बारे में भी विचार किया और बना भी डाली, जिसे उसने नाम दिया नाजी सेना। अब हिटलर का जो मुख्य लक्ष्य था, वो था जर्मनी में खुद को पावर में लाने का, जिसके लिए उसने 1923 ईस्वी में जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें 5 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। हिटलर को कुल 13 महीनों तक कैद में रखा गया और यही जेल में उन्होंने अपनी पुस्तक मी काम्फ लिखी। हिटलर ने अपनी ये आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित की, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है, इसीलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वे जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। अब जेल से निकलने के बाद उसके सामने अपनी छवि को फिर से लोकप्रिय बनाने की चुनौती थी। तब तक देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी थी, इसीलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि वो वापस से खुद को जर्मनी का सबसे शक्तिशाली लीडर बना सके। उसे ये मौका मिला 1929 में,
जब फिर से जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज की हालत खराब हो गई और अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगी। व्यापक असंतोष का फायदा उठाकर वो वापस से लोकप्रिय बन गया। इसके बाद उसने ये फैसला लिया कि वो इस बार चुनाव लड़ेगा। खैर 1932 के चुनाव में तो उसे कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन अगले ही साल उसे जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसी चांसलर बनने के साथ ही उसने अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया और फिर यहीं से शुरू हुआ हिटलर का वो दौर जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। पावर में आने के बाद ही उसने कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित कर दिया था और शुरू हुआ था यहूदियों के नरसंहार का एक भयावह दौर। जैसे ही तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, वैसे ही हिटलर खुद को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर देता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जर्मनी में जो भी होगा वो बिना हिटलर की इजाजत के नहीं हो सकता था। ये वही दौर था दोस्तों जब हिटलर ने गैस चैम्बर भी बनवाया, और शायद आपको भी गैस चैम्बर की दर्दनाक सच्चाई पता ही होगी। लेकिन इसके बाद भी हिटलर नहीं माना, यहाँ तक कि उसने अपनी सेना बढ़ाने के लिए पूरे देश में सैन्य प्रशिक्षण का काम चालू करवा दिया, जिसमें बच्चों को भी हिस्सा लेना पड़ता था। यहाँ से जब बात आती है दूसरे विश्व युद्ध की, तब भी जिस शख्स का चेहरा सबसे पहले बनकर सामने आता है तो वो हिटलर ही था। जब जर्मनी की नाजी सेना ने यूरोप के देशों पर हमला करना और उन्हें अपने कब्जे में लेने का काम शुरू किया, तो मजबूरन ब्रिटेन को जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। और इस तरह से हिटलर के खिलाफ बहुत सारे देश ने इकट्ठे मोर्चे खोल दिए, जिसके बाद उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी। और आलम ये हो गया कि अब हिटलर को लगने लगा कि शायद अब वो मारा जाएगा, इसीलिए उसने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया, जहां साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कहा जाता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के अगले ही दिन सब कुछ खत्म होता हुआ देख हिटलर ने दुश्मनों के हाथों कैदी न होने की ठानी और उसने खुद को गोली मार ली। और इस तरह से दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर का खात्मा हो गया। इंसान जब इस घमंड से भर जाता है दोस्तों कि वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान है, तब या तो उस इंसान की बर्बादी होती है या तो फिर पूरी दुनिया की। लेकिन यहाँ तो दोनों ही हुआ, जो शायद कभी भी होना नहीं चाहिए था। आपकी हिटलर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। और Facebook पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा Facebook पेज द मिस्टिकल लैंड हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।